Good afternoon, everyone. Good afternoon, guys. Very good afternoon to all of you and welcome back to Engineers Adda. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज के हमारे सेशन में धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, मैम लोट पोट के प्रणाम. क्या बात है, ये शानदार जो अंदाज है ना तुम लोगों का विश करने का, ये सबसे अलग है, सबसे यूनिक है. खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें. तो चलिए भाई सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं जरा आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं और लाइफ एकदम झकास चल रही है. ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ में सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं. रेडी सब लोग? हाँ जी, सब लोग रेडी हैं. गुड आफ्टरनून अनुज कनौजिया, शिवम वेरी गुड आफ्टरनून, केके आर, धर्मेंद्र, सपना, वीर लहरिया, गुड आफ्टरनून. हाँ जी, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा जहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है. और ये एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो पहला ही लिंक रहेगा उस पे जस्ट आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है. ठीक है, हाँ जी. सो सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है और फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह या फिर विल्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज आल्सो नोन एज विल्ड प्लैनेट. विल्ड प्लैनेट्स कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष ग्रह कौन से होते हैं? ये वो प्लैनेट्स होते हैं जो पूरी तरह से बादलों से घिरे हुए होते हैं. ठीक है, इनका जो आवरण होता है वो बादलों से घिरा हुआ रहता है, उसको हम विल्ड प्लैनेट कहते हैं. तो ये कौन सा है, यहाँ पर आंसर क्या किया आप लोगों ने? आंसर तो आया ही नहीं अभी तक. तो अभी तक क्या रेडी नहीं हुआ आप लोग? क्या मैंने जल्दी शुरू कर दिया सेशन? हाँ बिहारी बाबू, अच्छा अच्छा, इनको मैडम को गुड आफ्टरनून नहीं करना, इनको बुलबुल को गुड आफ्टरनून करने की जल्दी पड़ी है. बुलबुल जी गुड आफ्टरनून, हम आ गए रे. अब मेरे लिए थोड़ी ना क्लास में, पढ़ने के लिए थोड़ी ना है, तो बुलबुल से मिलने कल क्लास में आए हैं. बेटा ये बुलबुल जो तुम इतना पीछे जो पड़े हो ना, बुलबुला निकलेगा तो पता चलेगा जब तुमको. ठीक है, धोखा जब मिलेगा ना फिर देखना, फिर मत कहना हमको. इधर देखो भाई, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही है. वीनस की बात करते हैं, जो शुक्र ग्रह होता है इसी को विल्ड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ रहता है. ठीक है, सो सन की अगर हम बात करते हैं, सन से जो इसकी लोकेशन है वो जस्ट दूसरे नंबर पे पड़ती है क्योंकि यहां पर आपको मिलता है बुध जो कि मर्करी हो जाएगा. ये मैंने पहले करवाया हुआ है हालांकि. ठीक है, बुध के बाद यहां पर आता है आपका शुक्र ग्रह यानी कि वेनस. ठीक है, और उसके बाद अर्थ आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है और उसके बाद मंगल यानी कि मार्स. तो ये जो चार ग्रह होते हैं इन्हीं को पार्थिव ग्रह कहा जाता है. ये ठोस ग्रह होते हैं, बाकी जो चार हो गए जैसे कि जुपिटर हो गया आपका, ठीक है, अरुण हो गया, वरुण हो गया, यूरेनस हो गया, ये सब किससे बने होते हैं? गैसों का गोला कहते हैं इनको और इन चारों को ठोस कहते हैं. तो जो शुक्र है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, इसी को शाम का तारा कहते हैं, सुबह का तारा या भोर का तारा या सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो यह भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है यानी कि वीनस को कहा जाता है. सबसे ठोस ग्रह पूछा जाए तो अर्थ को कहा जाता है, सबसे बड़ा पूछा जाए तो जुपिटर को कहा जाता है. ठीक है, अच्छा तो मुझे बताइए, अभी जो जूस मिशन लॉन्च किया था, ठीक है, जूस मिशन जो लॉन्च किया गया था वो किस चीज की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था, कौन बताएगा? तो जूस मिशन की बात करते हैं, ये था जुपिटर के जो जो आईसी मून्स हैं, जो उसके क्या है बर्फीय जो चंद्रमा है उनकी स्टडी करने के लिए जूस मिशन. आप मुझे बता दीजिएगा इसको किसने लॉन्च किया था फटाफट से. हाँ हाँ, ओहो हो, मिस्टर शिवा बेटा पढ़ाई पे फोकस कर लो. ठीक है ना, ना तो ना बुलबुली मिलेगी ना बुलबुला मिलेगा. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः क्या कहा जाता है? जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसे क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या फिर स्लेट लाइम कहा जाता है. ये होता है आपका, अब बता दो जल्दी से क्या होगा ये. अच्छा किसने धोखा खाया है?
भैया हमारी बात नहीं सुनोगे तो धोखा खाओगे जरूर, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं प्यार करना है तो किससे करो, किताबों से करो, कसम से वो कभी धोखा नहीं देंगे, ठीक है। और किसी से प्यार करोगे तो भाई ये भी भरोसा नहीं है कि वो लड़की है कि लड़का है, तुम ऐसा वाला तुमको धोखा मिलेगा कि तुम बस रोओगे पछताओगे, है ना। यस, सो आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, क्या बात कर रहे हो, वॉशिंग सोडा कहते हैं इसको, कमाल है। धर्मेंद्र का आंसर ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है। ये होता है खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा है। इसका यूज चीजों को बेक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका केक बनाया जाता है, कुकीज बनाया जाता है, ढोकला बनाया जाता है, इसमें खमीर उठाया जाता है ना, तो ये खाने वाला सोडा होता है, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। ये आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? हाँ, मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, क्या बात है, मतलब अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो तुम उसको भी ताना मारोगे ना। तो देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज कहना चाहूंगी, जो ये कह रहे कि मैम आपको बहुत एक्सपीरियंस है, देखो ये जीवन है ना बहुत छोटा है, ठीक है, ये लाइफ जो है ना छोटी सी लाइफ है। अगर आप बहुत कम समय में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपको एक चीज बता देती हूँ मैं, जरूरी नहीं है कि आप अपनी गलतियों से सीखो, दूसरों की गलतियों से भी सीखो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप खुद ठोकर खा के ही संभलो, दूसरों की गलतियों से सीखो, आपका समय बचेगा, ठीक है। तो जो कह रहे ना मुझे एक्सपीरियंस है, ये मैंने दूसरों से सीखा है, दूसरों का जो धोखा खाते हुए देखा है ना, उसी से मैंने सीखा है, ठीक है, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ जी, पाकरदुल एक पन बिजली परियोजना है, क्या है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन से स्टेट के अंदर आपको मिलता है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड या फिर कर्नाटक के अंदर लोकेटेड है। तो मैं आपको बता दूं ये बनने जा रहा है, अभी बना नहीं है, ठीक है, अभी बना नहीं है। उम्मीद है कि इससे 3,330 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। और ये कहां पर बनाया जा रहा है, आपका जम्मू कश्मीर के अंदर इसको बनाया जा रहा है। इसको बनाने में अगर पूछा जाए टोटल कॉस्ट कितनी आई है, टोटल कॉस्ट 81.12 बिलियन रुपीस, इतनी जो है इसको बनाने में टोटल कॉस्ट आई है। कौन से रिवर पर बना हुआ है, तो यहां पर आपको मिलती है मरुसर नदी, जिसके ऊपर इसको बनाया जा रहा है। पॉइंट्स क्लियर है यहां तक सभी को, ओके। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हां जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ये कब हुआ था आपका, किस लिए हुआ था आपका। तो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 लाया जाता है, जिसके अंदर डार्की सिस्टम लागू किया गया था। तो वो जो डार्की सिस्टम था, जिसका मतलब होता है कि दो लोग मिलकर शासन करेंगे, ठीक है। तो अब वो शासन करेंगे तो वो जो चीजें हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन की बात की गई कि साइमन कमीशन लाया जाए। अब जब साइमन कमीशन लाया गया तो उसके अंदर जो टोटल मेंबर्स थे वो कितने थे, वो 7 मेंबर्स थे, भारतीय नहीं था इसमें से कोई भी। तो भारतीयों ने आंदोलन छेड़ दिया कि इसमें भारतीय क्यों नहीं है, हमें भारतीय चाहिए, तभी हम जो है इसको एक्सेप्ट करेंगे, तुम लोग तो घपला कर दोगे, ब्रिटिशर्स को बोला गया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक भी बात नहीं सुनी और साइमन कमीशन जो है वो लंदन भेज दिया गया, बना करके रिपोर्ट तैयार करके उसकी। तो इसी पर पूरा विरोध हुआ था, साइमन कमीशन की जांच के लिए ही गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है कि भारतीयों को बुलाया गया कि आपको लगता है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो आप आइए और देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले होता है 1930 में जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कांग्रेस का कोई भी सदस्य पार्टिसिपेट करने नहीं गया था 1930 में। फिर 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, तब कांग्रेस के सदस्यों ने ये डिसाइड किया कि हम फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करेंगे ब्रिटिशर्स से। तब इन्होंने कहा कि गांधी जी को भेजते हैं, कांग्रेस की तरफ से कौन गए, फिर गांधी जी गए थे यहां पे। थर्ड, फिर उनसे जब डिमांड की उन्होंने कि फंडामेंटल राइट्स हमें चाहिए,
अंग्रेजों ने कहा ठीक है भेज देंगे। रिपोर्ट्स तैयार होकर आई बट उसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, ठीक है। एंड अंग्रेजों ब्रिटिशर्स बी लाइक कैसा लगा हमारा मजाक, कुछ ऐसा इन्होंने किया भारतीयों के साथ में। अब कांग्रेस गुस्से में थर्ड गोलमेज सम्मेलन में फिर इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट करने वाले जो भारतीय थे वो थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। गांधी जी सिर्फ दूसरी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था 1931 के अंदर। कहां पर हुई थी ये? लंदन के अंदर हुई थी। कहां हुई थी? लंदन के अंदर हुई थी। ओके अच्छा क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है यहां पे, देखो मिल्क लेट डाउन हार्मोन इज डैश। मिल्क लेट डाउन हार्मोन जो होता है ये कौन सा हार्मोन होता है? मिल्क लेट डाउन हार्मोन जो होता है ये कौन सा हार्मोन होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए आंसर करेंगे कौन सा होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। देखो ये जो हार्मोन होता है इसी की वजह से एक बच्चा माँ का दूध पीता है जब जब डिलीवरी होती है ना, ठीक है। जब डिलीवरी होती है तो उसी टाइम बच्चा जब पैदा होता है उसी टाइम पर ये जो हार्मोन है ये बॉडी से सीक्रेट होता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ठीक है। जब बेबी पेट में होता है जब डिलीवरी होता है तभी ये हार्मोन सीक्रेट होता है और उसके बाद ही जो है छोटा बच्चा दूध पीता है। तो वो दूध बनता है किस वजह से? इस हार्मोन की वजह से। क्या नाम है इसका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका नाम है। इसी को मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहा जाता है। ओके चलो हाँ जी क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे क्या है। Which of the following freedom fighters was a co-founder of the Swaraj Party along with Motilal Nehru? Swaraj Party के सह संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू के साथ साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और कौन थे ये आपको बताना है। हाँ जी आंसर करेंगे जल्दी से क्या होगा। बिहारी बाबू 5.5 आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना मुझसे, तो कोई बात नहीं आप चले जाइए किसी मेल टीचर की क्लास ले लीजिए, ठीक है। कोई कोई सर पढ़ा रहे हो स्टैटिक जी के करंट अफेयर वहां से पढ़ लीजिए ना। मैं अपना जेंडर तो चेंज करा नहीं सकती हूँ आपको पढ़ाने के लिए कि आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है इस चीज से कि मैं मेरे बालों को देख के आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मेरी शक्ल देख के डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो भैया मैं अपना जेंडर थोड़ा ना चेंज करा लूंगी, मैं तो लड़की हूँ लड़की रहूंगी, मेरे बाल ऐसे हैं ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो आप एक काम करिए आप किसी सर की क्लास में चले जाएं, ओके। कोई सर पढ़ा रहे हो ना उनसे पढ़ लो जाकर के, आप सिंपल है इसमें, इतना सोचने वाली कौन सी बात है, कमेंट करने वाली कौन सी बात है इसमें, ठीक है। कि मैडम आप बहुत अच्छे हो तो हमें डिस्ट्रक्शन होता है हम पढ़ नहीं पाते, तो भैया दूसरी क्लास में चले जाओ ना, उसका क्या सोल्यूशन दे अब। हाँ जेंडर तो नहीं बदलवा लूंगी मैं अपना तुम्हारे चक्कर में। आई कैसी कैसी बात करते हो यार, मतलब कसम से। अच्छा चलो फोकस करते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ऐसे तो आते रहते हैं। को फाउंडर पूछा जा रहा है तो ये कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास की बात करते हैं, इन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है, देश मित्र के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। जो आपका अलीपुर बम कांड हुआ था उसमें इन्होंने, जो 1908 में हुआ था ना अलीपुर बम कांड, तो उस टाइम पर अरविंदो घोष जो फंस गए थे इस मामले में उनका बचाव करने के लिए वकील के रूप में काम किया था किसने? चित्तरंजन दास ने। इनकी कुछ रचनाएं भी पूछी जाती हैं, जैसे कि इन्होंने मालंशा और माला नामक दो खंडों में अपना कविता संग्रह भी प्रकाशित किया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक आता मैडम, तुम लोग है ना सुधरोगे नहीं कभी भी, ठीक है, तुम लोग कभी ना सुधरने वाले। चलो क्वेश्चन नंबर सेवन, कोई ना बिगड़े हो बस पेपर निकाल देना, ठीक है ना, तो चलेगा। अच्छा डेंगू किसके कारण होते हैं? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। डेंगू जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है?
बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर पॉल्यूशन के कारण होती है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि एक मादा मच्छर एंडीज के काटने से होता है, क्या? डेंगू। तो ये किससे होता है? वायरस से होता है, मादा मच्छर के काटने से होता है। ये जो मच्छर है ये दिन के समय भी काटता है, रात के समय भी काटता है, सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है ये शाम के समय में, या कहीं कहीं बोला जाता है दिन के समय में, दोनों समय ही रहता, मुझे तो ऐसा लगता है ये ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, अच्छा, इसके काटे जाने के 6 से 10 दिनों के बाद ही बीमारी के जो लक्षण है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। इज इट ओके? ये घर के अंदर भी काट सकता है और घर के बाहर भी काट सकता है, इसको पूरी आजादी है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? अभी DDAJEE का पेपर था, उसमें ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हां जी, आंसर क्या होगा? ओके, विनीत, सुषमा, वीर, अंकित, शिनचैन, अनुज, नितेश, नागिन के पापा, ओहो, नागिन का पूरा परिवार क्लास में आ गया है, बेला, नागिन, नागिन के पापा, चलो अच्छी बात है, सबको ले आओ, सबको ले जाओ क्लास में, पूरा नागिन परिवार एक दिन क्लास में होगा। हॉकी, करेक्ट है। धनराज पिल्ले की बात करते हैं, ये किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी, हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं और हॉकी के फॉर्मर कैप्टन ये रह चुके हैं, धनराज पिल्ले जो है। ठीक है, वर्तमान में एयर इंडिया लिमिटेड के साथ जो है ये उप महान प्रबंधक के रूप में भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए हैं? हाँ जी, मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स होता है जो, वो कौन सी भाषा में लिखे गए? क्रॉनिकल्स का क्या मतलब होता है? क्रॉन जो होता है ना, क्रॉन कहीं पर आपको दिख जाए, इसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, टाइम से जुड़ी हुई है कोई ना कोई चीज। तो जो भी वृतांत है मुगल दरबार के, यानी कि समय के अनुसार जो भी चीजें लिखी गई है वो किस भाषा में लिखी है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू या फिर फारसी भाषा में लिखी गई है। हाँ जी, आंसर क्या होगा? बुलेट राजा, तुम काहे फटे जा रहे हो? हाँ, कोई कॉमेडी चल रही है क्लास में? तुम लोग ना क्लास में पंचायत क्यों करते हो भाई, मुझे समझ नहीं आता है। हाँ, आर्टिकल 40 को ज्यादा सीरियसली ले लिए हो क्या? जो क्लास में शुरू हो जाते हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, फारसी भाषा में। ठीक है, सो मुगल भाषा, मुगल दरबार के जो भी क्रॉनिकल्स है वो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि अकबरनामा हो गया, अकबरनामा ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा गया था। बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा है, ये तुर्की से फारसी में ही इसका अनुवाद, जिसको बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। हिंदी में अरबी फारसी का जो मेल है, इस भाषा को उर्दू कहा जाता है। जो अरबी और फारसी को मिला के जो भाषा बनाई गई है उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? उसे हम उर्दू कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यालय का इस्तीफा किसे पत्र लिखकर दे सकते हैं? यानी कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो अगर रिजाइन करना चाहे तो वो किसको लिख करके देंगे अपना रेजिग्नेशन लेटर, बताओ? सुप्रीम कोर्ट के जज को अपना रिजाइन देना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, प्राइम मिनिस्टर को देंगे, लॉ मिनिस्टर को देंगे या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देंगे? हाँ जी, सो किसको देंगे, बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट को देंगे। किसको? राष्ट्रपति को। देखो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, जजेस हो गए, इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, इनको शपथ भी प्रेसिडेंट दिलाते हैं, और अगर इनको रिजाइन देना है तो ये अपना लेटर भी किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की बात करते हैं, हमारे संविधान के अंदर प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक दिया गया है। ठीक है, अच्छा, कोई भी सजा माफ करने का जो पावर होती है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास, किसी को फांसी की सजा सुना दी गई है तो उसको माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में होता है आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा सुना दी ना कि फांसी होनी है इसको,
तो सुप्रीम कोर्ट अपनी इस सजा को वापस नहीं ले सकता है, उसके बाद जो काम है वो सिर्फ किसका है, प्रेसिडेंट का है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे अगले सवाल पे। हां जी, सरोजनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? सरोजनी नायडू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कांग्रेस सेशन? और भैया आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो नंबर वन पे आ चुकी है, अब चाइना को पीछे छोड़ दिया है हमने और हम लोग जो है इस लिस्ट में नंबर वन पे हैं, और कहीं नंबर वन हो या ना हो पॉपुलेशन में हम पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पर आ चुके हैं। ठीक है, यानी कि हर देश में अब इंडिया के बारे में पढ़ाया जा रहा होगा, करंट अफेयर में इंडिया नंबर वन पे आ गया है पॉपुलेशन में। किस किस को प्राउड फील हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ जी, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर किए जा रहे हैं, 1925 कानपुर बिल्कुल सही है। देखो जब भी हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसकी स्थापना 1885 में होती है, इसका फर्स्ट सेशन जो है 1885 में हुआ था, जिसको हेड किया था W.C. बनर्जी ने, और ये था बॉम्बे सेशन, ये था बॉम्बे सेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली महिला कौन थी इसको हेड करने वाली, फर्स्ट वुमेन की बात करते हैं, तो 1917 में हेड किया था एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। और ये कौन सा सेशन था? कोलकाता सेशन था। फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा जाए आपसे, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, तब आप आंसर करेंगे सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर सेशन को हेड किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट मुस्लिम कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हेड करने वाले, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने, आप बताइए कौन सा सेशन हेड किया था, जिसने इसका आंसर कर दिया उसे आज की क्लास का हम चाणक्य घोषित कर देंगे, पक्की बात है, जल्दी बता दो। और फर्स्ट ब्रिटिशर पूछा जाए तो जॉर्ज यूले हो जाएंगे। ओके, तब तक हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की। एक गांधी जी से भी बहुत क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को गांधी जी ने कौन सा सेशन हेड किया था, तो 1924 का जो बेलगाम सेशन था वो गांधी जी ने हेड किया था। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन एक भ्रशोत्त पर्वत नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन इनमें से कौन सा नहीं है, पहले समझिए ब्लॉक माउंटेन कौन से होते हैं। एक ये माउंटेन है, ठीक है, एक ये माउंटेन है, फिर एक ये माउंटेन है, फिर एक ये माउंटेन है। अब जो माउंटेन, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं बीच में, ये वाला जो हिस्सा है बीच में, कि दो ऊंचे ऊंचे माउंटेन उनके बीच में एक छोटा सा माउंटेन है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट आपका माउंटेन रेंज हो गया, ये ब्लॉक माउंटेन है, सॉल्ट रेंज हो गया, ठीक है, और आपका सतपुड़ा रेंज हो गया, ये पूरा का पूरा ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, लेकिन यूराल पर्वत जो है, यूराल माउंटेन, वो ब्लॉक माउंटेन नहीं है। तो ये किस प्रकार का माउंटेन है, ये आपका होता है वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन जिसे कहते हैं वलित पर्वत। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई भी हलचल होती है तो पृथ्वी के ऊपर फिर ये इन पर्वतों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, हां जी, पॉइंट्स क्लियर है यहां तक सभी को? बिल्कुल अनुज, बहुत बढ़िया। काफी सारे बच्चे ना क्लास मेरी नजरों में आ गए हैं जो हमेशा सही आंसर करते हैं और उनका हमेशा स्कोर भी काफी अच्छा रहता है, जैसे कि अनुज कनौजिया, इनका हमेशा अच्छा रहता है स्कोर। यस, बहुत बढ़िया, आगे देखो। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड, ये जो पर्टिकुलर बुक है किसके ऊपर लिखी गई बुक है और इसको किसने लिखा है? हाँ जी, सो आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा करेक्ट आंसर? गाइस, अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा बिना किसी कंजूसी के। आपके लाइक्स की वजह से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, एक कप कॉफी का काम बन जाता है मेरा फिर, अगर आप लोग लाइक्स कर देते हो तो। वैसे भी आज मैंने कॉफी पी, मुझे टाइम नहीं मिला, बैक टू बैक क्लासेस हो रही है सुबह से, तो यार थोड़ा बहुत प्यार तो दे दिया करो कम से कम, लाइक वाइक करके।
अच्छा, सो आंसर यहाँ पे जो आने स्टार्ट हो, बेला ने कहा ऑप्शन सी, पंकज का आंसर ऑप्शन नंबर ए। हाँ, और कोई? अमोल यादव का ऑप्शन डी, अनुज का आंसर आया नहीं अभी तक। बेटा तुम भी आंसर करो जल्दी, बुलेट राजा। बुलेट राजा आज नहीं पढ़ रहे हैं, लड़कियों से बतिया रहे हैं। देखो मोस्टली बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो ये सबका आंसर गलत है। सही आंसर किसी ने भी नहीं किया है, जो कि होगा मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई की क्या है ये बायोग्राफी है, इनके बारे में इस पर लिखा है। ये पाकिस्तान की महिला है और सिटीजनशिप यूएसए की है इनके पास में, वहां पर ये रह रही है फिलहाल। ये सबसे कम उम्र की महिला बनी थी नोबेल प्राइज को पाने वाली, जो कि इन्हें 2014 में दिया गया था पीस की फील्ड में। ये इन्होंने अकेले नहीं लिया था, ये शेयर किया था एक पर्सन के साथ में जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। इनको क्यों मिला था? इन्होंने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था बचपन बचाओ अभियान, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है। मलाला यूसुफजई के नाम पर यूएसए के अंदर एक स्कॉलरशिप एक्ट भी लाया गया था। क्या? एक स्कॉलरशिप एक्ट लाया जाता है जिसमें यह था कि पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हां जी, निम्न में से किस युग्म में दोहरा परिसंचरण पथ होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज अ डबल सर्कुलेशन पाथवे। इसका क्या मतलब हुआ? देखो हमारे शरीर के अंदर दो तरह का ब्लड होता है, ठीक है, एक होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, एक होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है हमारे अंदर, ऑक्सीजन हमारे ब्लड को मिलती है, ठीक है, फिर पंप करता है ब्लड, हमारा हार्ट जो था पंप करता है, तो जो ब्लड है वो सारी वाहिकाओं में चला जाता है जब हम सांस लेते, जब बाहर छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन है इसमें से जिसमें ये दोनों प्रकार का ब्लड नहीं, एक ही प्रकार का ब्लड होता है, ठीक है, कौन है ये? बर्ड्स एंड मैमल्स जो होते हैं, ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, डबल सर्कुलेशन पाथवे होता है, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित जो मिश्रण है ब्लड का वो इनमें होता ही नहीं है, इनमें एक ही प्रकार का ब्लड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बैल और भालू शब्द किसके साथ जुड़े हुए हैं? हां जी बताओ, बैल और भालू यानी कि जो बुल एंड बियर शब्द का यूज किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है, बैंकिंग में होता है, मार्केटिंग में होता है, या फिर स्टॉक मार्केट में होता है, कहां पर इसका यूज किया जाता है? ये तो सब लोगों को पता होगा। एक महाशेषनाग, भाई तुम लोगों को क्या हो, क्या गया है तुम लोगों को, मतलब क्या ही बोले तुमको, क्या ही बोले पता नहीं। चलो अच्छा, जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, स्टॉक मार्केट में इसका यूज किया जाता है, या फिर आप कहोगे शेयर मार्केट में यूज होता है। तो जो बियर, जो बुल होता है, बुल इसके ना ऐसे इसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि शेयर मार्केट में शेयर की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है, वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। जो बियर होता है इसकी मुंडी थोड़ी नीचे की तरफ होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो शेयर्स के प्राइस है वो नीचे की तरफ मतलब गिर रही है, शेयर की वैल्यू बताते हैं। ये दोनों एनिमल्स है, इनका यूज किया जाता है शेयर की वैल्यू बताने के लिए कि वो शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन है? हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, ठीक है, तो इसके फाउंडर, इसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। चलो आंसर करो फटाफट, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। पानी की बोतल कहां चली गई यार, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। हां जी, सो क्या आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए? हाँ, अब्दुल्ला कुतुब शाह।
हे भगवान, इतनी अच्छी जीएस हो गई हो तुम लोगों की, गजब। मोस्टली बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, ये भाईचारा जो तुम लोग निभाते हो ना क्लास में, सब गलत याद कर लोगे, बता रही हूँ तुमको। चलो इधर देखो, हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद की जो स्थापना है ये 1591 में की जाती है। कौन से रिवर यहाँ पर मिलते हैं? मूसी नदी के किनारे पर हैदराबाद की स्थापना जो कि किसने करी थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा की जाती है, ठीक है। और ये तेलंगाना की क्या है? आपकी कैपिटल हो जाएगी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बात करते हैं जो कि कुतुब शाही वंश के उच्च बिंदुओं में से एक माना जाता है, ठीक है। सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह का ये तीसरा पुत्र था और इन्होंने ही जो चार मीनार है उसका निर्माण करवाया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, हाल ही में जीआईटेक प्राप्त करने के लिए चर्चा में रहने वाले कल्ला कुरीची लकड़ी पर की जाने वाली नक्काशी है, कौन से स्टेट के अंदर इसको जीआई टैग दिया गया है? हाँ जी, कौन से स्टेट के अंदर इसको जीआई टैग दिया गया है, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, जो जितना वॉचिंग चल रहा उतना बस कर दीजिए फटाफट से। आंसर जिन्होंने किया है तमिलनाडु, बिल्कुल सही आंसर है। तमिलनाडु के अंदर ही आपने देखा होगा अभी एक अंगूर को भी मिला है, कौन से हैं? कुम्बुम ग्रेप्स हैं, कुम्बुम अंगूर, इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और ये लकड़ी की नक्काशी होती है कल्ला कुरीची, लकड़ी पर की जाती है नक्काशी, इसको जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु में किस किस प्रोडक्ट को मिला हुआ है जीआई टैग? यहाँ पे होते कंडागी साड़ियां, ठीक है, डिंडीगुल के ताले, डिंडीगुल लॉक्स हो गए, और यहां पर जो इरोड़ की हल्दी है उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है, इरोड़ की हल्दी। यहां पर है ब्रिटिश लेदर, इसे भी जीआई टैग दिया हुआ है। एक मट्टी केला है उसके लिए डिमांड की हुई है, कभी भी मिल सकता है इसको जीआई टैग। अभी कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको सबसे ज्यादा जीआई टैग दिए गए हैं? तो ये मिले हैं केरला को, 2023 की अगर हम बात करते तो 6 प्रोडक्ट्स को मिला है। वैसे सबसे ज्यादा जीआई टैग किस स्टेट के पास में है? यूपी के पास, कितने हैं? 45। यूपी में कौन से शहर के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग है? वाराणसी के पास में कितने हैं? 20 जीआई है, ठीक है। चलो इतने चीजें क्लियर है सभी को। अच्छा, तमिलनाडु की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि तमिलनाडु का पुराना नाम क्या हुआ करता था, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? मद्रास। फिर क्या होता है, 1969 के अंदर इसका नाम चेंज करके और तमिलनाडु कर दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया है तमिलनाडु पर? चोल वंश ने शासन किया है, चोल राजाओं ने। क्वेश्चन नंबर 18। ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रकाशित करता है, बताइए? जो ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है? क्या लगता है भाई, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहां पर आपका? बिहारी बाबू 5.5, तुम गई नहीं अभी तक, तुम्हें तो डिस्ट्रक्शन हो रहा था ना, तुम्हें तो मुझसे डिस्ट्रक्शन हो रहा था कि मैम पढ़ाई पढ़ाई नहीं जा रहा, आपकी शक्ल देख के आपके बाल देख के मैं डिस्ट्रक्शन होता है, मैंने तो कहा था किसी सर की क्लास में चले जाओ। पढ़ना भी है इनको लेकिन इनको नखरे भी बहुत करने हैं, अब गंजे तो होने जाऊंगी मैं क्लास में आने से पहले। हाँ चलो देखो, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, जो यूएनईपी है आपका, इसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट, जो कि क्लाइमेट के बारे में बताती है, ग्लोबल क्लाइमेट के बारे में बताती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन के यूनेस्को ने 2023 में COP28 की मेजबानी करने के लिए किस देश की घोषणा की? COP28, रंजन चौरसिया, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, ठीक है। चलो
हाँ जी, सो देखो COP28 की बात करते हैं। COP28 के लिए कौन से देश को चुना गया है? UAE के अंदर किया जाना है 2023 में। 2022 की बात करेंगे तो जो आपका COP27 का आयोजन, ये कहाँ पर हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए COP26 के बारे में, COP26 का आयोजन ये कहाँ किया जाता है? यूके के ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसी में एक पहल है जो मोदी जी ने लॉन्च की थी जिसका नाम है लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ लिया जाए। चलो अब बारी है लाइफ टेस्ट की। अभी ना हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे जिसमें 10 questions होंगे। ओके, सो आउट ऑफ 10 आपका क्या स्कोर रहता है ये आप मुझे बताएंगे लास्ट में। रेडी सब लोग? बताइए जल्दी से, तैयार है सभी? ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है देखो, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल किसी भी नागरिक को मूल आधारों के उल्लंघन के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है? फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि आप किसी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, कहीं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके खिलाफ किसी ने FIR लिखवा दी और आपको पुलिस ने जेल में डाल दिया। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि भैया हमने भी संविधान पढ़ा है, हमने पॉलिटी की क्लास ली है, हमको मालूम है कि धरना प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है, हम चाहे तो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं, हमारा देश क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर विरोध करने की हमें पूरी आजादी है। तो इसके लिए क्या है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि पुलिस ने ऐसे कैसे आपको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत जो है आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहां तक समझ आया? सुप्रीम को आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है और ये भीमराव अंबेडकर ने कहा है। जिस ये क्या है, आपके मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाए रखने के लिए जो मूल अधिकार है वो है आर्टिकल 32। जैसे एक एग्जांपल लेकर चलिए, जब आप बैंक में जाते हैं तो आप लोन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो बैंक वाले क्या बोलते हैं, भैया गारंटर लेकर आओ। जब तक गारंटर नहीं लेकर आओगे तो हमको गारंटी कैसे मिलेगी कि आप पैसे वापस दे दोगे? तो वही आर्टिकल 32 जो है वो क्या है, एक गारंटर का काम करता है, आपके जो बाकी सभी मूल अधिकार हैं उनकी गारंटी लेता है आर्टिकल 32। समझ आ गया? इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है, रिट जारी करता है, जो कि 5 प्रकार की रिट होती है। रिट क्या होती है, रिट जो होती है इसके अंदर रेमेडीज दी गई है, रेमेडीज मतलब उपचार दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए हैं इसके अंदर, उपचार दिए गए हैं। जैसे कि एक इंसान जब बीमार होता है और वो बहुत बीमार होता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसका ऑपरेशन कर देता है। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर के पास टूल्स होते हैं, क्या कैंची हो गया, सीजर इंजेक्शन हो गया, चाकू हो गया, चीर फाड़ करने के लिए जो भी टूल्स होते हैं, और उन टूल्स के माध्यम से डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और मरीज एकदम ठीक हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होता है, इंसान की समस्या के समाधान के लिए रिट्स होती हैं। कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। ठीक है, ये हम पॉलिटी की क्लास में करवाएंगे। चलो ये स्टैटिक चल रही तो इतना डीप में तो अभी नहीं आपको बता सकते हैं सारी चीजें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिन बच्चों को पॉलिटी पढ़नी है ना तो वो प्लीज क्लास में जरूर आया करें, आपकी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और कोई भी बैच आप परचेज करते हैं, ठीक है, फाउंडेशन बैच भी चला हुआ है, वो भी अगर आप लेना चाहे तो आप ले सकते हो। उसमें GS की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, मैं उसमें आपको पॉलिटी पढ़ा रही हूँ। और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा 78% का, कोई भी बैच। क्या हो गया है भैया? अच्छा मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ, करना इस पे 78% का डिस्काउंट मिलता है। आपको बस एक कोड यूज करना है Y774 का, अड्डा 24/7 पे कोई भी बैच, किसी भी टीचर का, किसी भी एग्जाम का अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड यूज कर लीजिएगा Y774। देखा, मैंने भलाई का काम कर दिया, मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया आपको।
चलो अब क्वेश्चंस पे आओ। कैनिस वोल्प्स ये किसका वैज्ञानिक नाम है? हाँ जी, कैनिस वोल्प्स जो है वो क्या है, एक साइंटिफिक नेम है किसका? डॉग, वोल्फ, फॉक्स या फिर हेना, यह है किसका साइंटिफिक नेम है ये आपको बताना है। चलिए भाई आंसर करिए फटाफट से, क्या होगा? ओके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं कहूं कि गलत हो तुम लोग तो क्या कहोगे फिर? फिर कहोगे ऑप्शन नंबर सी। कहा किसी ने? नहीं कहा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। कैनिस वोल्प्स, देखो वोल्प्स से वोल्फ, वोल्प्स है ठीक है। सो ये लोमड़ी का होता है, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड, हाँ सही है ठीक है, ये लोमड़ी का होता है। ओके अरे यार तुम लोग के चक्कर में मैं भी गड़बड़ कर रही हूँ, भेड़िया होता है, वोल्फ होता है, वोल्फ, वोल्फ्स से वोल्फ याद रखो, मिलता जुलता है, वोल्फ्स से वोल्फ याद रखो, सही था आप लोगों का आंसर ठीक है, वोल्फ इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉग का साइंटिफिक नेम जो है वो क्या होता है, कैनिस ल्यूपस फैमिलियर्स होता है, क्या होता है, कैनिस ल्यूपस फैमिलियर्स। ओके और फॉक्स का क्या होता है, फॉक्स का होता है कैनिस ल्यूपस ओनली, ये फॉक्स का होता है। अच्छा लकड़बग्गा की बात करें, हेना की बात करते हैं, इसका क्या होता है, हाइएनिडी होता है, हाइएनिडी की स्पेलिंग मुझे नहीं आती, रुको देखते हैं, हाइएनिडी, हाइएनिडी की स्पेलिंग यहां से देख लो ठीक है। ओके सो किसी भी एनिमल का, फ्रूट का, वेजिटेबल का, पेड़ों का साइंटिफिक नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं कई बार डायरेक्ट, इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन चुके हैं आपके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल? हाँ जी इंटर स्टेट काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं ये कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, सेंट्रल कैबिनेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं? आंसर क्या होगा? देखो जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इंटर स्टेट काउंसिल के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कौन, प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये दिया गया है आर्टिकल 263 के अंदर ठीक है, आर्टिकल 263 में दिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो सीमा रेखा है, जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहा जाता है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है? देखो मैगिनोट लाइन की बात करते हैं, ये तो किस किस के बीच में होता है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है ठीक है। ड्यूरम लाइन की बात करते हैं, ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है। 17th पैरेलल लाइन जो है ये नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम के बीच में आपको मिलता है। हिंडनबर्ग लाइन की बात करते हैं, ये आपको मिलती है जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। तो बॉर्डर लाइन से भी क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी बॉर्डर लाइन है? अगर इंडिया एंड चाइना की बात करते हैं तो कौन सी बॉर्डर लाइन है? मैकमोहन लाइन है ठीक है। और ये मैकमोहन लाइन को चाइना बिल्कुल भी नहीं मानता था, अभी इसको यूएसए ने इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन डिक्लेयर कर दिया है, अब चाइना की मजबूरी है इसको फॉलो करना ठीक है। क्यों नहीं मानता था? देखो आप सभी जानते हो अरुणाचल प्रदेश को लेकर, आज सुबह वाली क्लास में भी हम कराए थे, अरुणाचल प्रदेश को लेकर बहुत ये उछलता रहता है चाइना, जब देखो उछलता रहता है कि मेरा है मेरा है मेरा है ना, मिलता है नहीं इसको कुछ, तो इसी चक्कर में वो उस लाइन को मानता नहीं है। जब तक अरुणाचल प्रदेश नहीं मिलेगा हम इस लाइन को नहीं मानेंगे, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी तो वहीं से है आपका पूरा ठीक है। इसलिए हाँ जी सो रेडक्लिफ, हाँ रेडक्लिफ नल्ला पाकिस्तान और भारत के बीच में, गजब हो यार तुम लोग भी ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम प्रसिद्ध शासक था जिसे डैश की उपाधि मिली थी?
हाँ जी, कौन था भाई? स्कंद गुप्त की बात करते हैं। ये गुप्त साम्राज्य का क्या था? अंतिम शासक था। इसे किसकी उपाधि मिली थी? विक्रमादित्य की। क्रमादित्य महाराजा एक राज सम्राट की उपाधि दी जाती है, विच इज योर करेक्ट आंसर। जल्दी बताएं, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है, आई होप कि कोई गलती नहीं करेगा इसमें। ओके, सो आंसर तो यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन सब लोग लाल पीले मुंह जरूर बना बना के कमेंट सेक्शन में भेज रहे हैं। तो तुम सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, ऊपर से मुंह भी बना के भेज रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है यार, गलत बात है ये तो। क्रमादित्य होगा करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ये तो बता दो कम से कम, ये तो सबसे आसान है। विक्रमादित्य को कौन सी उपाधि दी जाती है? महाराजा की उपाधि ये किसको दी गई थी? घटोत्कच को दी गई थी। किसको? घटोत्कच को दी जाती है। एक राज सम्राट की ये मिली थी महापद्मानंद को, ठीक है, महापद्मानंद को दी जाती है। विक्रमादित्य तो सबसे आसान है, ये तो बता दो कम से कम। हाँ, कैनिस वुल्फ्स लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है, मैंने सही करा दिया था। मतलब भाई साहब, गलती से भी गलती हो जाए ना तो मौका मिल जाता है बस मैडम को सुनाने का, जबकि मैंने सही करा दिया है, ठीक है। चलो हाँ जी, कोणार्क सन टेम्पल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? विक्रमादित्य पूछा था मैंने, हजार बार कराई हुई, जबकि मैंने ये चीज, मैडम आप भी बता दो। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है, ठीक है। चलो, कोणार्क सन टेम्पल की बात करते हैं, तो इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? देखो, इसका जो निर्माण है ये 1250 ईस्वी के अंदर करवाया जाता है, ठीक है। फिर 1984 के अंदर इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर कर दिया गया था। इसी मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये जो है सूर्य देव को समर्पित है, सूर्य के रथ के समान इसकी संरचना है जो कि बनाई हुई है। ये किसने बनाया था आपका? नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कहां पर आपको मिलता है? ओडिशा के अंदर मिलता है ये मंदिर। पहला मंदिर है जो पूरी तरह से सोलर से संचालित होता है, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल, क्लियर है क्वेश्चन? चलो फिर नेक्स्ट देखो, ये गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम, जिन्होंने इसका निर्माण कराया था। अच्छा, कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, कौन से ईयर में होता है और इसमें किसकी जीत हुई थी? तो इसमें शेरशाह सूरी की जीत हो गई थी और हुमायूं इसमें हार जाता है, और इस युद्ध को नाम दिया गया था कन्नौज का युद्ध। ये कन्नौज में हुआ था, ठीक है। ईयर कौन सा था? 1540 सब लोगों ने जो आंसर किया है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी जो है ये सूरी वंश के संस्थापक कहे जाते हैं, और हमारे देश की जो सबसे लंबी सड़क है जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होता है और अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हां जी, सुगोली के संधि 1816 में ब्रिटिश और डैश के बीच में हस्ताक्षरित की जाती है, बताइए। सुगोली की संधि जो है वो 1816 में हुई थी, ब्रिटिशर्स और किसके बीच में हुई थी ये आपको बताना, ब्रिटिशर्स और किसके बीच में होती है। गाइस सेशन को लाइक कर दो भाई, क्या मतलब हो गया है, काहे इतनी कंजूसी कर रहे हो? किसी ने कुछ खिला दिया है तुम लोगों को? आज तो बढ़ ही नहीं रही है लाइक्स, जबकि वॉचिंग तो सही है, जितनी वॉचिंग जितने लाइव है ना उतने भी लाइक्स नहीं किए तुम लोगों ने। कहीं तुम ये तो नहीं सोचते हो कि मैम को पैसे मिलते होंगे, मैम अमीर हो जाएगी हमने ज्यादा लाइक्स कर दी? तो बेटा एक बात बता दूं, मैं लाइक्स का पैसा नहीं मिलता हमको, हमको लाइक्स का पैसा नहीं मिलता है, हमको किसी चीज का मतलब लाइक्स का ये सब सब्सक्राइबर्स का इसका कोई पैसा नहीं होता है, इससे सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन ये मिलता है कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा, तो अब आपका किया हुआ काम किसी को अच्छा लगता है तो आपको सुनकर अच्छा लगता है ना, तो आप और बेटर करते हो। तो बस वही चीज है, हमको भी मोटिवेशन चाहिए होता है और कुछ नहीं मिलता इससे, ठीक है। तो कर दिया करो भाई, ये तो फ्री होता है,
हाँ जी, सो ब्रिटिशर और गोरखा के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था। सुगोले की संधि जो 1816 में होती है, ठीक है, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1815 में हस्ताक्षर किए गए थे और 1816 में फिर इसकी पुष्टि होती है। पॉइंट्स क्लियर है यहाँ पर? हाँ जी, ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा यानी नेपाल के बीच में ये संधि होती है। तेभागा आंदोलन निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? हाँ जी, तेभागा आंदोलन की बात करते हैं, यह कौन से स्टेट से संबंधित है, कौन से राज्य में हुआ था? यह क्या था? एक किसान आंदोलन था, एक प्रकार का क्या था? किसान आंदोलन था, ठीक है। और ये जो हुआ था कौन से राज्य के अंदर हुआ था? यस, बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बंगाल, बिल्कुल सही है। सो तेभागा आंदोलन जो है वो बंगाल के अंदर होता है और ये क्या था? एक किसान आंदोलन था। कब हुआ था? 1946 के अंदर, जोतदारों के खिलाफ था, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा ने इसका नेतृत्व किया जो कि भारतीय साम्यवादी पार्टी की एक किसान ब्रांच थी। तो इसकी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सहजन सरस्वती थे। 1936 में इन्होंने इस किसान सभा की स्थापना की। अशोक धावले इसकी अध्यक्ष थे और स्थापना की थी सहजानंद सरस्वती ने। ये कुछ नाम आपको याद रखने, ठीक है। चलो अब बारी है स्कोर की। अब मुझे बता दो आउट ऑफ 10 आपका क्या स्कोर रहा है, जल्दी से फटाफट से किसका क्या स्कोर रहा ये मुझे जल्दी से बता दीजिए। अनुज की है 10 में से 7, क्या बात है, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच नीरज, तहे दिल से शुक्रिया आपका, शिनचैन, तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं? नागिन के हैं 0 out of 10, हाँ नागिन के पापा के भी 0 out of 10, अनुज के हैं 7, वीर लहरिया के 10 सही हैं, ठीक है, और कमर अली के 7 सही हैं, वेरी गुड, 7 अच्छा स्कोर है। रितेश के 5 सही है, सुमित के 7 सही हैं, शिनचैन के 7 सही हैं, अंकित के 6, सपना के 8 सही है, मिस्टर डी के 9 सही हैं, ओके, सपना के 8 सही हैं, सुषमा के 6 हैं, चलो अच्छा है, जिनका 6+ स्कोर है उनका अच्छा है, जिनका 6 से कम है, 5 या उससे कम है, तो थोड़ी सी और आप लोगों को मेहनत करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेली क्लासेस में आना है। अगर आप 3 महीने ये क्लासेस ले लेते हैं तो आपका स्कोर जीएस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। हम एक दिन में 30 क्वेश्चन करते हैं और इस 3 और हर एक क्वेश्चन में मैं आपको कम से कम 3-4 एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ। एवरेज अगर 3 मानकर चलोगे तो एक दिन में 90 क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस हिसाब से, तो ठीक है, हम एक दिन में 90 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 30 दिन में हम कितने क्वेश्चन कर लेंगे? 1800 कर लेंगे। एक महीने के 1800 क्वेश्चन हो गए तो 3 महीने में हम कितना कर लेंगे? 5,500। 3 महीने अगर आपने क्लास, इससे बाहर क्या ही आएगा, 5,500 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो इससे बाहर तो वैसे भी कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो बस रेगुलर 3 महीने आप ये क्लासेस ले लो, मैं गारंटी ले रही हूँ जीएस में आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, बशर्ते कि आप डेली नोट्स बनाते हुए चलो, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, नोट्स बनाते हुए चलना जो पहले क्लासेस, क्योंकि देखो पढ़ते रहोगे पीछे पीछे का साफ रहेगा फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर मैं गारंटी लेके क्या ही करूंगी, है ना। तो आप लोगों को उतना ही पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। चलो ओके गाइस, तो फिलहाल के लिए इतना ही। जाने से पहले जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसमें जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, हैव ए गुड डे।